हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बबीता विश्वकर्मा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही बढ़िया रेसिपी, जो कम चीज़ों में और कम समय में बनने वाला है। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि करेले की सब्ज़ी जल्दी नहीं पकती, काफ़ी समय लगता है, पर नहीं। तो यहाँ पर आज मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊँगी आप लोगों को कि करेले की सब्ज़ी हम कैसे कम समय में बना सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो नया बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिएगा हमारे चैनल को, तो मैं और भी इससे अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों को लेकर आऊँगी। तो चलो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि करेले की सब्ज़ी के लिए मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत कम चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो तक मतलब करेला ले लिया, और इससे मैंने इस गोल गोल ऐसे पतला पतला मैंने काट लिया है। यहाँ पे मैंने 5 प्याज लिए थे, तो उसको मैंने ऐसे लंबे टाइप में काट लिया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने 4 मिर्ची ले लिया है हरी, और उसको मैंने ऐसे कट कर दिया है। और यहाँ मैंने 6 से 7 लहसुन की कली ली है, जिसे मैंने ऐसे बारी बारी चॉप कर लिया है। तो तीखा आप अपने हिसाब से रखिएगा। और यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है और तेल। इन सारी चीज़ों से आज हम बहुत ही हेल्दी करेले की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई को रख दिया है, कढ़ाई गर्म भी हो चुकी है हमारी। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल ऐड करूँगी, क्योंकि हम सब्ज़ी में हमेशा, और यहाँ पे मैं सरसों का ही तेल खाती हूँ। फ्राई वगैरह के लिए मैं मीठा तेल वगैरह यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे सरसों का तेल ले लिया है मैंने। तो सरसों का तेल जो हमें ज़्यादा लेना है यहाँ पे, क्योंकि करेले की सब्ज़ी में तेल ज़्यादा लगता है, जिससे वो कलर भी बहुत अच्छा आता है और जल्दी पक भी जाता है। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया। तेल को हम गर्म होने, यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब हम लहसुन और ये हरी मिर्चें दोनों इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको लाल होने तक इसमें अच्छे से फ्राई, देख सकते हो लहसुन और जो मिर्ची है वो अच्छे से एकदम गोल्डन हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे इसमें प्याज, और प्याज को भी अच्छे से हम लाल कर देंगे। आप लोगों को किन किन लोगों को करेले की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। इतनी टेस्टी सब्ज़ी है करेले की, जिससे हमारा जैसे करेला खाने से आप लोगों को तो पता है कि बहुत सारी विटामिन हमें मिलती है। तो करेले की सब्ज़ी हमें हफ्ते में 2 या 3 बार तो खानी चाहिए, और डायबिटीज़ पेशेंट लोगों के लिए तो करेला बहुत ही बेस्ट है। तो करेला खाना चाहिए, तो भले थोड़ा कड़वा होता है पर बहुत टेस्टी बनती है। अगर इस तरीके से आप सब्ज़ी बनाओगे ना, तो आपको करेले की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ आप ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और करेले की सब्ज़ी में हमेशा थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल लगेगा नहीं। अभी यहाँ पे प्याज जो है लाल हो जाएगा, तो उसके आगे हम करेला ऐड कर देंगे। जो प्याज है थोड़ा हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, गोल्डन हो चुका है हमारा प्याज, तो इसे ज़्यादा हमें गोल्डन नहीं करना है। अब हम इसके ऐड करेंगे करेला। तो यहाँ पे मैं करेला ऐड कर दी हूँ। अब इसको अच्छे से हम चलाएंगे। इसको अच्छे से चलाकर अब हम क्या करेंगे, इसको धीमी आंच पे जो है हम ढक कर पकाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने करेले को ढक दिया है। अब मैं इसे अच्छे से खोल कर फिर से चलाऊंगी। आप देख सकते हैं अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। नमक स्वाद अनुसार अपने हिसाब से आप ऐड कीजिए। अब इसे अच्छे से चलाएंगे हम। फिर से हम अभी ढककर पकाएंगे। आपको करेले की सब्ज़ी को ढककर पकाना है, पर मैंने पहले जो आप देखे होंगे मैंने स्लो करके एकदम ढककर पकाया था। अब हम इसे थोड़ा मीडियम फ्लेम पे करके पकाएंगे, जिससे करेला जो है अच्छे से गोल्डन भी हो जाएगा और जल्दी पक भी जाएगा। ये इसका ट्रिक है, हमेशा करेले की सब्ज़ी को मीडियम ही गैस पर हमें पकाना है, जिससे करेला जो है अच्छे से पक जाएगा। अब हम इसे ढककर पकाएंगे, और बार बार बीच बीच में थोड़ा सा हम खोलकर चेक भी करेंगे और सब्ज़ी को अच्छे से चलाएंगे। तो जब ये पकेगा और अच्छा और हेल्दी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगा। चलो आगे ढक्कन हटा के देखते हैं हमारी करेले की सब्ज़ी रेडी हुई कि नहीं। अभी आप देख सकते हो
करेले की सब्जी जो है अच्छे से रेडी हो गई है। आप देख सकते हो इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत आ गया है। फिर भी हम इसे थोड़ा और लाल करेंगे तो और भी हमें इसे थोड़ा 5 मिनट और पका देंगे तो करेले की सब्जी जो है बनके अच्छे से रेडी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, करेले की सब्जी जो है अच्छे से बन गई है हमारी। तो आप देख सकते हो करेले की सब्जी कैसे एकदम लाल हो गई है, एकदम अच्छे से पक चुकी है हमारी करेले की सब्जी और एकदम झटपट बन गई है। आप ऐसी सब्जी ज़रूर बना के खाइएगा करेले की, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरी करेले की सब्ज़ी आप लोगों को कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट में बताना और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप इस सब्ज़ी को रोटी पराठे के साथ बहुत अच्छे से खा सकते हो और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट मुझे बताइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।